मैंने 200 ग्राम तक तेल लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 4-5 लहसुन और इसको सिम करके पकाना है। 1 से 2 चम्मच रतन जोत, 1 चम्मच अजवाइन, ये सब डाल दीजिए और इसे अच्छे से पक जाने। सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, खासकर सर्दियों में अपने बच्चों के लिए मालिश करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए, अब ये बिल्कुल रेड कलर का, जैसे डाबर लाल तेल आता है ना बैद्यनाथ का, सेम वैसे ही हो जाएगा। इसको बिल्कुल सिम फ्लेम पे पकाना है। अब मैं इसको सिम कर देती हूँ। ये देखिए लगभग बन चुका है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, छान लेती हूँ। बस डाबर लाल तेल तैयार है। ये देखिए, इसको छान लेती हूँ। पूरा मैंने छान लिया है, ठंडा हो जाए किसी डब्बे में आप निकाल के रख लीजिए। ये देखिए मैंने पूरा छान लिया है, बिल्कुल डाबर लाल तेल जैसा है। देखा, ये हड्डियों को मजबूत करता है तेल, और खासकर सर्दियों से बचाता है। तो अपने बच्चे को सर्दी में यही तेल यूज करिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो इसे लाइक करना, ना आए तो डिसलाइक करना, और मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक फॉर वॉचिंग।